हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथानॉल, इथानॉल की केमिकल रिएक्शंस। हमारे सिलेबस में इथानॉल की सिर्फ दो रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो रिएक्शन दी हुई है वो दी हुई है रिएक्शन विद द मेटल सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन दी हुई है। इथानॉल है CH3CH2OH प्लस सोडियम यानी कि Na। सोडियम क्या करेगा, ये जो इथानॉल में से H पॉजिटिव है वो अलग हो जाएगा और Na उसे रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3CH2OH की जगह पर Na लग जाएगा। O Na के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जिसकी पहचान क्या है, बर्निंग कैंडल लेके जाइए, पॉप साउंड के साथ ये आवाज़ प्रोड्यूस करेगी, बर्न करेगी सॉरी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी टू लगा देंगे, यहाँ पर भी टू लगा देंगे और यहाँ पर भी टू लगा देंगे। इसके बाद इसका नेम आता है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। तो ये बस बातें आपको याद रखनी है, इथानॉल सोडियम, Na ने H को रिप्लेस कर दिया, सोडियम इथोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी जब ये बर्न करती है। बस ये बात है, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, हमें इथानॉल जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है उसे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है टू मेक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। हमारे पास क्या है, इथानॉल है CH3CH2OH, हमें रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, तो होगा क्या, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा जिसका नाम है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। आप काउंट कर लीजिए 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन 6 है, 2 + 2 = 4, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया और ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में बदल गया। 443 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना ज़रूरी है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यहाँ पर बोल सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। और क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, डी का मतलब होता है रिमूव होना, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे। इस तरीके से ये हमारी सेकेंड रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथानॉल जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।